सीधा दिल्ली को कूच कर रहे हैं और वहाँ जो रोका जाएगा तो वहाँ ही सब सड़कों जाम लगा देंगे। जितना टाइम कानून रद्द नहीं होते उतना टाइम हम संघर्ष जारी रखेंगे। तो सारी कोशिश होगी फिर भी दिल्ली पहुंचने की, कोई ना कोई रास्ते मिल जाते हैं, पता करेंगे। भाजपा सरकार आ ये रस्ते दे विच ये जिहड़े पत्थर आ इन्हां नूं महंगे पैणगे। कृषि बिल को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग बॉर्डर से, लेकिन इस वक्त अंबाला पटियाला बॉर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। वहां पर किसान लगातार आक्रोश में हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कंट्रोल में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई किसान इसके चलते पीछे तो हटे लेकिन बार बार यही कोशिश किसानों की तरफ से कि वो किसी तरीके से हरियाणा के भीतर दाखिल हो जाएं। अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीर जब किसानों ने बैरिकेड को उठाकर नीचे नदी में फेंक दिया, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हालांकि यहां पर की गई है लेकिन इसके बावजूद वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई। सत्येंद्र चौहान मौजूद है हमारे साथ इस वक्त अंबाला पटियाला बॉर्डर से। सत्येंद्र, अभी कुछ हालात काबू में आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी भी हालात जैसे पहले थे वैसे ही बने हुए हैं और जो किसान हैं वो पंजाब से हरियाणा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए और सबसे बड़ी डर की बात ये है कि ये जो किसान हैं जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये पुल है और इस पुल से तकरीबन 100 फीट नीचे नदी है। अगर यहाँ पर भगदड़ मच जाती है या कुछ हालात ऐसे बनते हैं जिसमें पुलिस ने अभी बल प्रयोग किया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस छोड़े गए, तो अगर ये भगदड़ मच जाती है तो ये किसान कहीं इस नदी के अंदर ना गिर जाए। अगर पुलिसकर्मी भी गिरते हैं या किसान भी गिरते हैं तो ये एक कहीं ना कहीं जो डर की बात है। रही बात जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुल जहां तक भी है तकरीबन आधा किलोमीटर का ये एरिया है और इस आधा किलोमीटर में पूरे में किसान और उनका जत्था, उनका काफिला ट्रैक्टरों का दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, उस बैरिकेडिंग को उठाकर नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया, पानी खत्म हो गया, टीयर गैस छोड़े, किसानों ने पथराव शुरू कर दिया और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाला लेकिन किसानों के पथराव के आगे वो भी यहाँ पर नहीं टिक पाए। पुलिस ने ये ट्रक्स लगाए थे और इन ट्रक्स के ऊपर भी किसानों का हुजूम, किसानों का झुंड आप देख सकते हैं। इन किसानों ने जो है इन ट्रकों पर भी कब्जा ले लिया है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। हालांकि इनको पुलिस यहां तक इन ट्रक्स के माध्यम से रोकने में कामयाब हो रही है। पुलिस अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी इस्तेमाल किया गया लेकिन वो भी हालात को संभाल नहीं पाए। तो कुल मिलाकर ये जो यहां का माहौल है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण एवं चिंताजनक बना हुआ है और किसान जिस जिद पर अड़े हुए थे वो अभी भी वहीं के वहीं जस की तस हैं कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये हालात हैं वो डरा रहे हैं कि ये आंदोलन जैसा हम सुबह से ही चिंता जाहिर कर रहे थे कहीं उग्र रूप ना ले ले और इस बात की संभावनाएं यहाँ पर बनते बनते कई बार ऐसे माहौल बना। और ये देखिए ये जो ट्रक्स किसानों ने लगाए हुए थे, पुलिस ने लगाए हुए थे इन किसानों को रोकने के लिए, अब पुलिस यहां से पीछे हट चुकी है और यहां पर किसान जो है इन ट्रक्स के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन ट्रक्स के अंदर तोड़फोड़ भी की गई, इनको धक्के देकर दाएं बाएं करने की कोशिश भी की गई लेकिन हालात जो है यहां पर अब कहीं ना कहीं भयावह बने हुए हैं कि माहौल गर्म ना हो जाए। अगर ये भगदड़ यहाँ पर मचती है तो दोनों तरफ से नुकसान हो सकता है क्योंकि ये किसान जिस जगह पर खड़े हुए हैं वो भी एक पुल है और इस पुल से तकरीबन 100 से 80 फीट नीचे नदी है। अगर नदी में ये किसान गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस हालात को बड़ी संवेदनशीलता के साथ संभालना होगा, इस हालात से पुलिस को निपटना होगा, प्रशासन को भी कहीं ना कहीं नरम रुख अपनाना होगा। कम से कम इन किसानों को पुल के उस तरफ या इस तरफ लाया जाए ताकि बैठकर इनसे बातचीत हो सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हालात हैं वो अब डरावने हैं, चिंताजनक हैं और परेशानी का सबब पुलिस और प्रशासन के लिए बने हुए हैं।
और अब देखना यह होगा कि यहां से बीच का रास्ता निकालने की क्या कोई कोशिश होती है, लेकिन ग्राउंड पर जिस तरह से सत्येंद्र तस्वीर दिखा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक इस समय। और खबर तो ये भी है कि जिस तैयारी के साथ किसानों ने कूच किया है वो तो 3-4 महीने का राशन स्टोर है। अब ऐसे में अगर हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं किसान, अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उसके बाद क्या सूरत हाल होगा, ये सवाल बना हुआ है। सत्येंद्र ये बताइए, अब अगर किसान हरियाणा दाखिल हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट आज ही थम जाएगा या अब आने वाले कुछ दिन मुश्किल भरे रह सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया ये किसान पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, और ये तैयारियां कैसी है मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और इसके साथ साथ समझाता हूं। ये जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं दृश्य में, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये ट्रैक्टर इस लिहाज से तैयार किए गए हैं, इनके ऊपर पॉलिथीन का कवर दिया गया है क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंड का मौसम है, अगर बारिश भी होती है तो ये पूरे टेंट वाटरप्रूफ टेंट बनाए गए हैं। और ये किसान इस तैयारी के साथ आए हैं कि अगर 3-4 महीने भी इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाना पड़े तो इन ट्रैक्टर्स के अंदर गैस, चूल्हे, आटा, दाल, सब्जियां स्टोर कर इस तरीके से लाए हैं कि ये खुद का अपना खाना बना सकते हैं, अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, भले ही मौसम बिगड़ जाए। ये टेंट इन्होंने टेम्परेरी बनाए हुए हैं ट्रॉलियों के अंदर, और ये काफिला है, ये काफिला अगर मैं इस कैमरे को जहां तक भी दिखा पाऊं वो देखिए, जहां तक मुझे ये है 1 किलोमीटर का एरिया यहां से दिखाई दे रहा हाईवे का, वहां तक इन किसानों का काफिला है। तो आप ये समझिए कि हजारों की तादाद में ये किसान यहां पर मौजूद हैं। दूसरी चिंता ये है कि दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ पड़ा है, और ये किसान जिस तरीके से यहां पर आए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है, तो अगर ये दिल्ली में जाते हैं तो ये दिल्ली वासियों के लिए भी खतरे की घंटी है, और इन किसानों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है क्योंकि कोरोना की महामारी से पहले ही दिल्ली बेहाल है। हरियाणा का जो NCR का इलाका है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, वो भी कोरोना की चपेट में है। अगर ये हजारों की तादाद में किसान, और ये किसान ये मत समझिए कि एक जगह जो मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर है, ये जितने भी बॉर्डर्स हैं, ये देखिए ये ट्रक्स को किस तरीके से धकेला जा रहा है, ये तस्वीरें, ये जो ये देखिए, ये हालात हम जिसकी चिंता जाहिर कर रहे थे, ये वो हालात है। एक बात और बताइए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट देखिए जिस तरह से पंजाब फोकस्ड हुआ है, जिस तरह से पंजाब तक सीमित हुआ है, क्योंकि पहले शुरुआत में तो देश के बाकी राज्यों में भी विरोध के स्वर थे, लेकिन अब ये स्वर सिर्फ पंजाब तक सीमित हो गए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कितना पॉलिटिकल सपोर्ट है? देखिए, ये एक समझने की बात होगी कि पंजाब में 2022 में चुनाव होने हैं, और इन चुनावों को देखते हुए ही जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गठबंधन, सहयोगी गठबंधन था अकाली दल, उसने सरकार का त्याग कर दिया, NDA का त्याग कर दिया, तो जाहिर सी बात है इस किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियां कैश करना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार पंजाब में है वो कहीं ना कहीं इन किसानों को समर्थन दे रही है। जब किसानों का आंदोलन बढ़ने लगा और पंजाब में रेल यातायात ठप हुआ और यूरिया से लेकर कोयले की कमी होने लगी, तो पंजाब सरकार मध्यस्थता करके रेल चलवा लेती है, लेकिन इन किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश नहीं करती। ये तस्वीरें मीनाक्षी, ये तस्वीरें हैं, ये कहीं ना कहीं वो डर पैदा कर रही हैं जिसकी हम सुबह से चिंता कर रहे हैं कि हालात बिगड़ ना पाए। यहाँ पर अब पुलिस बल मौजूद नहीं है, पुलिस बल को इन किसानों ने पीछे धकेल दिया है, और ये ट्रक जैसा मैं पहले आपको बता रहा था, पुलिस ने इस लिहाज से खड़े किए हैं कि ये किसानों का काफिला इन ट्रक्स की वजह से हाईवे पर रुक कर रह जाए, लेकिन जिस तरीके से इन ट्रकों को धकेला जा रहा है, कोई अनहोनी भी यहाँ पर हो सकती है, कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है। जिस जगह पर ये किसान खड़े हुए हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ये पुल 100 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, बीच में नदी बह रही है, अगर ये इस तरह का अनकंट्रोल अनियंत्रित माहौल यहाँ पर बनता है तो ये कहीं ना कहीं किसी के लिए भी घातक साबित हो सकता है, खासकर इन किसानों के लिए। ये देखिए ये ट्रक किस तरीके से आगे जा रहा है, अब ये आगे भी जाएगा तो इसको कहां ले जाएंगे, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये हालात जो है कहीं परेशानी का सबब पैदा ना कर दे, क्योंकि पुलिस को डर की वजह से पीछे हटना पड़ा है। रैपिड एक्शन फोर्स को यहां पर बुलाया गया था, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स से भी बात यही बनी, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर भारी पथराव किया और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी यहां से तितर बितर होना पड़ा। पुलिस कहां है, कैसे है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये जो
जगह है, अब ये हरियाणा के अंदर है। यानी कि पहले इन किसानों को पंजाब बॉर्डर पर रोका गया था, लेकिन उस बॉर्डर को क्रॉस करके ये पुलिस किसान हरियाणा में आ चुके हैं और ये रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान यहाँ पर रोड रोलर और ट्रक लगाकर सड़क पर खड़े हुए हैं कि ये काफिला आगे ना जा सके। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता प्रकट कर रहे हैं और एक डर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार तस्वीरें सत्येंद्र आप हम तक पहुंचा रहे हैं, ये अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर किसान लगातार उग्र होते जा रहे हैं हरियाणा में एंट्री की कोशिश यहां पर, और ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि स्थिति जल्द काबू में नहीं आने वाली है, क्योंकि लगातार ये किसान आगे कूच कर रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की हालांकि वहां पर तैनाती है, अतिरिक्त पुलिस बल भी मांगा गया है, लेकिन इसके बावजूद किसान गुस्से में पत्थरबाजी भी कर रहे हैं।